और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। दिल को झंझोर देने वाली, पारिवारिक रिश्तों को तार तार करने वाली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं हूं नवीद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। दिन दहने वाली ये खबर है मेरठ के थाना चोली थाना की, जहां 4 साल की मासूम बच्ची को उसकी चाची ने बेरहमी से गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। और भी हैरानी की बात यह है, वजह मासूम बच्ची अपनी चाचा की लाडली थी। दरअसल थाना इंचौली में ऐसी खेड़ा गांव की घटना है, जहां इसलिए एक चाची ने अपनी भतीजी को मार दिया क्योंकि चाचा उसको बहुत प्यार करता था और गला घोटकर बेरहमी से हत्या कर दिया। घर में ही दुछत्ती पर बच्ची की लाश को छुपा दिया। पुलिस को जब पता चला कि बच्ची आखिरी बार अपनी चाची के पास ही देखी गई थी, जब पुलिस ने चाची से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी भतीजी का गला घोटकर बेरहमी से हत्या की। आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मेरठ से नवीद खान की रिपोर्ट। सुरेंद्र जी, क्या घटनाक्रम हुआ बच्ची के साथ? घटना सर ये हुई 5 बजे करीब, जो है वो मतलब मैं दादा हूँ उसका, तो वो हमारे पास ही रहते थे बच्चे दोनों, लड़का एक लड़की। तो वो शाम के टाइम 5 बजे घर आई हो, वो घर आने के बाद में उसकी दादी ने उन्हें सेव खिला कर और लड्डू बना रखे थे उसके चोलाई के भी खवा कर, तो उसको ये बोला कि अब तुम घर चले जाओ, मैं कहीं पैसे लेने जा रही हूँ। अब वो तो पैसे लेने चली गई और वहाँ से वो लड़का तो उसके पीछे पीछे भाग गया और लड़की रह गई वहाँ पे। अब लड़की जी वो उसने दबोच ली। अब दबोचने के बाद में अब 5:30 बजे के टाइम उसमें जो है मार के उसको कपड़े में लपेट के और कट्टे में बंद कर दिया, और कट्टे में बंद करने के बाद में वो उसको दुसत्ती में लुपो दिया। हम आए रात को काम पे थे 8 बजे करीब, और 8 बजे के मैं बोला अपनी घरवाली से, मैं कहा वो बच्चे कहाँ हैं, मैं उनके लिए केक ले गया था, तो वो कहने लगी वो तो घर सोने चले गए। अब उसके थोड़ी देर बाद में हमारी बड़ी बहू आ गई, गया ला ली है, हम कह लगे यहाँ तो ना, वो तो सोने वहीं चली गई। बोले टेकचंद तो है वहाँ, बाकी लड़की ना है। तो हम जी उसे ढूंढेर मचाने लगे। जब ढूंढेर मचाई सारे में पूरे गाँव में वो करवाया अलाउंस, और क्योंकि काफ़ी बड़ा गाँव है हमारा, और हमने भी ढूंढी, बहुत गांव के बहुत पब्लिक थी, कम से कम 500-600 आदमी थे उस समय रात को, जो पूरे गांव में मतलब ढूंढेर मचाई, लेकिन कहीं हाथ नहीं लगी लड़की। पता कैसे चला फिर? पता वो ऐसा चला जी, हमारे सामने घर के सामने एक लड़का है, क्योंकि कई बार ये दुर्घटना कर चुकी थी उसकी, इस चीज़ की कि मतलब पैसे निकालने और सोने की चीज़ भी निकाल ली थी एक दो बार। तो लड़का कहने लगा भाई यार तुम आपका तलाशी अपने घर की ले लो दोबारा से। हमने अपने घर की पूरी तलाशी ली, बेड भी, बक्से भी, टंकी भी, कोई जगह नहीं छोड़ दी हमने। वो कहने लगा एक जगह रह गई, ये दुसत्ती रह गई हो इसमें और देख लो। तो उसमें दुसत्ती में कट्टे में पैक करी हुई, वो 4-5 कट्टों के नीचे मिली, दबा रखी थी, और वो डर के सब भाग गए। वो मैंने निकाली फिर लड़की बाहर, लाया कट्टे को, मैं कट्टे का मुँह खोला उसका तो देखा उसमें लड़की। तो बच्ची की क्या लगती थी वो मारने वाली? सगी चाची। किस बात को कोई मतलब कोई लड़ाई दंगा नहीं, कुछ किसी भी कुछ ही नहीं था इस चीज का। तो उसकी शादी बताई क्या मन में थी, पता और क्या नहीं थी इस चीज का, वो उसी को हमें नहीं पता किस चीज का मारी। एसपी आर सर, थाना इंचोली क्षेत्र में 1-4 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली है, क्या है मामला? देखिए, कल शाम थाना इंचोली को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 4 साल की बच्ची जो लगभग 4 बजे दोपहर से गायब थी, ये सिखेड़ा गांव एक पड़ता है, उसकी डेड बॉडी उसी की चाची के घर में जीने के अंदर जो दुछत्ती या डाड़ टाइप की बनी होती है उसके अंदर एक बोरी में बंद की हुई मिली है। मौके की जो घटना है उसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही जो 3 COs और आसपास के सभी थानों का पुलिस बल और सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे, और ये देखा गया कि बच्ची के हाथ पैर इत्यादि को बांध दिया गया था एवं उसके मुंह को भी बांध दिया गया था और गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। जो भी फॉरेंसिक मेडिसिन के एविडेंस थे वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। जो लड़की के परिजन थे उन्होंने बताया कि आखिरी में ये अपनी चाची के घर में ही देखी गई थी लगभग 4 बजे, और जो ये टाढ़ है इसके बारे में इसकी चाची को ही पता था, और चाची से कुछ पहले से भी जो ये चाची है ये इस बच्ची को एक बार पीट भी चुकी थी किन्हीं बातों को लेकर, तो उन लोगों ने इन्हीं पर शक जाहिर किया। जब इससे डिटेल पूछताछ इसकी चाची से की गई
तो उसने इस घटना का कबूल किया है, इसको स्वीकार किया है कि ईर्ष्यावश एवं अपने पति द्वारा इस बच्ची को प्यार किए जाने के चलते एवं जेठानी से ईर्ष्यावश उसने ऐसा कदम उठाया है। इसमें चाची को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा लिख लिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।